आरती झा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। वर्ल्ड कप 2023 में होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर क्रेज शेड्यूल जारी होने के बाद से ही बढ़ने लगा है। जैसे जैसे मुकाबले की तारीख नजदीक आ रही है, क्रिकेट के प्रशंसकों के दिलों की धड़कन भी उसी तरह से बढ़ने लगी है। हालांकि अहमदाबाद में यह मुकाबला पहले 15 अक्टूबर को होना था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के BCCI को 2 दिन नसीहत देने के बाद शेड्यूल में बदलाव किया जा रहा है। यह मैच 1 दिन पहले आयोजित किया जाएगा। मैच से पहले पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने भारत और पाकिस्तान मुकाबले पर बयान दिया है। कपिल देव ने भारत और पाकिस्तान मैच के समय खिलाड़ियों पर होने वाले दबाव के बारे में बातचीत की। द वीक मैगजीन में एक साक्षात्कार के दौरान कपिल देव ने कहा कि दबाव क्या है, जब आप गेंद का सामना कर रहे होते हैं तब दबाव नहीं आता। दबाव तब बनना शुरू होता है जब आपका वेटर आपको कॉफी देता है और कहता है पाकिस्तान से नहीं हारना। इस तरह से दबाव बनता है, यह बनाया जाता है। साक्षात्कार में कपिल देव ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों से मिलने के बारे में भी बातचीत की। कपिल से यह पूछा गया कि क्या आप अपनी पीढ़ी के किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर से दोस्त या उनसे मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि आजकल किसी के पास समय नहीं है, मैं अपने टीम के सदस्यों से भी नहीं मिलता क्योंकि हम दूर हो गए हैं, यह हमारी अपनी अपनी जिंदगी भी हो चुकी है। मैं इमरान खान से मिल सकता हूं, वह प्रधानमंत्री थे, मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन उनके पास भी उस तरह का समय नहीं है, वह एक अलग दौर में चले गए हैं। बता दें कि ICC विश्व कप 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इसके शेड्यूल्स में कुछ बदलाव जरूर किए जाएंगे, जिसमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 15 अक्टूबर को होने वाले भारत और पाकिस्तान मैच के दिन में बदलाव होगा। संभवतः मैच 14 अक्टूबर को होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स फैक्ट।